क्वेश्चन नंबर 7 ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट हेडलाइन पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट हेडलाइन हम लोग का क्या है, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्लस ऑफ प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, यानी आप गुड्स हेड ऑफिस की तरफ से सेंड किया जाएगा वो इनवॉइस प्राइस होगा या फिर सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, ये हम लोग का हेडलाइन है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं हेडलाइन क्या है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस। हाँ, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस ये हम लोग का। ठीक है, तो जैसा कि हम बताए थे पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम इसके बारे में भी बताए थे कि वहां पे तीन तरीका से यानी तीन तरह से हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स सेंड करती है। नहीं, पहला तरीका क्या था फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे, फिर से रिपीट करते हैं एक बार आपको। फर्स्ट था गुड्स सेंड टू ब्रांच, एट कॉस्ट प्राइस एट एज कैशियर, ओनली फॉर कैशियर। और सेकेंड क्या था, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस एंड कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। और थर्ड क्या था, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस या फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस और एट ओनली फॉर कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ये दोनों तरीका से था यहाँ पर। तो हम लोग एक तरह से यहाँ पर जो ब्रांच है कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों तरफ से गुड्स को अपना बेचेगी, सेल करेगी। बट यहाँ पे क्या है कि अब ये देखना है कि जो हेड ऑफिस की तरफ से जो गुड्स सेंड किया जाएगा वह क्या होगा, इनवॉइस प्राइस होगा और या फिर इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब हो जाता है कि अब हेड ऑफिस प्रॉफिट एड करके कॉस्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करके अपने ब्रांच को गुड्स सेंड करेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन चलिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 है। कराची ट्रेडर्स हैज अ ब्रांच एट धनबाद। ब्रांच कहां पे है, धनबाद में है और रांची ट्रेडर्स है। गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द रांची। रांची की तरफ से पूरा एक्सपेंसेस पेड किया जा रहा है, किसको, हेड ऑफिस को। ठीक है, देखो तो बाहर बुलाए क्या, बहुत जल्दी आ गई तो टंडवा गई थी ना। हाँ, तो सभी आ गए 10,000। अच्छा, 1:30 बजे से हम क्लास बोले हुए थे। हाँ, तो कल फिर ना, तो 2 बजे से कल 2 बजे। हाँ, तो इतना बजे से आती थी पहले कि 11:30 से आती थी, तो आ गई तो उसे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो हम बता देंगे, जो भी पढ़ाए वो बता देंगे, लेकिन आती थी कितना बजे, 11:30 बजे आती थी, जो कल संडे था। ठीक है, कल संडे था तो कल के लिए शायद हम क्लास रख दिए थे 2 बजे से सर। ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, निकालो बुक, देखो ये बुक है, जिसे हम क्वेश्चन बताएं इसके पीछे वीडियो भी बना दिए, जो क्वेश्चन का है वीडियो बना दी, वीडियो भी देख लेंगे, बाकी हम बता देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे थे, 7 पढ़ रहे थे। चलिए आगे देखिए, थोड़ा पढ़ लेते ना, देखो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 2015 का कितना, 7,500। स्टॉक क्लोजिंग भी दिया हुआ है 9,000। डेटा 1 अप्रैल को दिया हुआ है 4,200।
गुड सेंड बाय हेड ऑफिस कितना है 54,600 अमाउंट बढ़िया से बताइएगा। रेंट एंड टैक्स सेंडरी चार्ज दिया हुआ है, कैश सेल्स फॉर द ईयर और क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और वेजेस पेड दिया हुआ। याद होगा कि आपको यहाँ पे क्या निकालने होगी, क्लोजिंग डेटर, क्या निकालने होगी, क्लोजिंग डेटर। बार बार हम फॉर्मेट आप लोग को नहीं बता रहे लेकिन इस क्वेश्चन में भी ज्यादा मतलब जो पहले कुछ तरीका बनाए हैं डेटर निकालने का आप उसके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे तो बन जाएगा। इसमें कोई और खास कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कोई आइटम ऐसा नहीं है जिससे आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी फॉर्मेट नहीं भी लिखाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में तो फॉर्मेट देखेंगे पूरा। आइए इसको क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। तो बनाइए लेजर इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में, हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस कौन है, रांची, रांची हेड ऑफिस, ठीक है। और ब्रांच कौन है, तो धनबाद ब्रांच है ना, धनबाद ब्रांच अकाउंट्स। चलिए बताइए अमाउंट क्या क्या है यहाँ पे। पहला है स्टॉक और डेटर ओपनिंग में बैलेंस बता चंद्र मनी। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक हुआ था, अच्छा यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग बैलेंस बीडी ना। चलिए तो क्या है ओपनिंग, क्वेश्चन नंबर कितना है 7 और जिसमें से हम लोग पहला लिख रहे थे स्टॉक और कितना ओपनिंग स्टॉक है ना, कितना है 7,500 है और फिर है ओपनिंग डेटर है 4,200 है, 5,200 7,411 ना, 11 होगा, क्या होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इतना कष्ट करके बना रहे हैं। जो बच्चे मतलब देखो जो क्या है ना कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना वो गांव में रहते हैं अभी, खास करके जो है क्लास बहुत ऐसे स्टूडेंट है नहीं आ सकता है अभी, जैसे कौन है क्या नाम है इसका, नीतीश क्लास नहीं कर पा रहे, उसका तो हो जाएगा उसे कर लिया पूरा, चार क्लास देख लिया, चार क्लास को क्वेश्चन बना ले रहा है ना, हाँ भेजता है और ये क्या बोलते हैं वीडियो कॉलिंग बात करता है, ठीक है, बताता है, बोले कि टेस्ट कॉपी ऊपर भेज देंगे, ठीक है, उसको बना कर भेजा, ठीक है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट का मदद हो जाएगा लेकिन फिर भी ऑफलाइन रहेंगे तो ज़्यादा और बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं है, अगर पॉसिबल ही नहीं है ऑफलाइन क्लास के लिए, कम से कम YouTube के मदद से कुछ भी तो मदद हो जाएगा। चलिए तो क्या हो गया, पहला गुड सेंड टू ब्रांच कितना है 54,600 और फिर एक्सपेंसेस भेजा गया है, yes. है ना, तो क्या है कैश अकाउंट्स रेंट एंड रेंट एंड टैक्सेस कितना 2,000 नेट क्या है सेंडरी चार्ज क्या वाली चाबी यही रख दीजिए अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पैकेट में रख दिया जाता है। चलिए अच्छा तो कहा तरीके सेंडरी चार्जेस 480 कितना है 480
80, 0, 8, 4, 4, 8 और 2, 2880. और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं. कितना नंबर का? 7 नंबर ना सर. और वेजेस पेड. वेजेस पेड है. चलिए इसको बाहर से लिख देते हैं आपके फिर से. कैश अकाउंट के नाम से कर देते हैं. ठीक है. और क्या वेजेस? वेजेस पेड. कितना है? 19,800. सर एक मिनट. गलत है क्या? हाँ. गलत बता रही है. कितना पास होगा? 2,040 रुपया. और कोई एक्सपेंसेस है? नहीं. एक बार रिपीट कर लीजिए. देखिए पहला ओपनिंग स्टॉक था. हाँ. फिर क्लोजिंग स्टॉक है. ओपनिंग डेटर लिख चुके हैं. गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस जो कि कितना है अमाउंट 54,600. रेंट टैक्स लिख लिए हैं. संडे चार्ज लिख लिए हैं. अब है आगे उसका कैश सेल्स फॉर द ईयर और क्रेडिट सेल दिया हुआ है. दो अमाउंट दिया और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो कि यहां पे आ जाएगा. कैश अकाउंट्स पहला क्या होगा? कैश सेल्स. और सेकंड होगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर. दोनों का अमाउंट बताइए कितना कितना है. बताओ तो क्या करते हैं? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 19,800. 19,800 इसका. ठीक है. और कैश सेल का 32,400. 32,400. ऐड करिए 8,4. सर क्रेडिट सेल. अभी क्रेडिट सेल का यहाँ काम नहीं है. याद है क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए. 8,4, 12 के दो हाथ में एक, 2 और 1 3, 9 और 3 कितना? 12. हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 5. कितना गया? 52,200. सेकेंड बैलेंस सीडी. क्या होगा बैलेंस सीडी में? स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है. सर. कितना? 9,000. इसका तो हम लोग को निकालते हैं हम लोग यहाँ से. ठीक है. ये बहुत लाइन नहीं. 32,200 और तो हो गया. ऐसा आ जाएगा नहीं. ठीक है. चलिए डेटा रिकॉर्ड बनाइए. क्रेडिट पार्टिकुलर यहाँ रुपीस हो जाएगा. डेबिट पार्टिकुलर्स हो गया. yes. पहला इधर क्या होगा? ओपनिंग डेटर. देखिए ओपनिंग डेटर कितना? 4,200. सेकंड क्रेडिट. क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल 21,000. और कोई डेटा क्रिएट होने का? बिल्स एक डिजोनर आता है जो कि यहाँ पे बिल्स नहीं है. 200, 4, 5, 25,000. अब इधर देखिए डेटा कम होने का, यानी आपके बिजनेस में टोटल डेटा कितना है? तो कितना है? 25,200. पहले का पुराना डेटा कितने का है? 4,200. पिछले साल का है 4,200. अभी कितना डेटा क्रिएट हुए हैं? 21,000. तो टोटल डेटा कितना क्रिएट हुआ? 25,200. अब इसमें से देखिए कि डेटा कम हुआ है कितना, है ना? डेटा कितना कम हुआ है? तो 19,000. देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम डेटा. आपने कितना भी कितना डेटा से पैसा ले लिया, रिकवर कर लिया है. यहाँ पे लिखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटा. ले जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है? 19,800. और डेटर कम होने का कारण बताइए. और डेटर कम होने का कारण जैसे डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउंसेस है ना, अलाउंसेस भी रहता है. और गुड्स गुड्स रिटर्न लॉस्ट नहीं. गुड्स यहाँ लॉस्ट नहीं है. स्टॉक नहीं निकाल रहे.
ठीक है, डेटर कम होने का। तो सबसे पहले डेटर कम होने का देखो, हम जितना बता रहे हैं आप इतना लिख भी लेंगे तो आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। फॉर्मेट में कैसे बनेगा, जब आप डेटर अकाउंट्स की डेट करेंगे तो पहला हो जाएगा ओपनिंग डेटर, सेकंड हो जाएगा क्रेडिट सेल, यही दो होगा मुख्य रूप से। ठीक है, कोशन बनाने के लिए इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि कभी बिल्स वाला आता ही नहीं है कोशन। ठीक है, बिल्स रिसीव वाला कभी आप देखेंगे नहीं, तो इसका टोटल डेटर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब कैश डेटर कम होने का कौन कौन वजह हो सकता है, तो पहला कि आप जिससे पैसा ले लेंगे वो डेटर कम हो जाएगा, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि आप किसी भी डेटर को डिस्काउंट दे दिए, दूसरा कारण हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे तीन तरह का डेटर होता था ना, पहला गुड डेटर, सेकेंड डाउटफुल डेटर और लास्ट हो गया बैड डेट। तो बैड डेट भी हो सकता है तो भी डेटर कम हो जाएगा। और कोई कस्टमर क्या किया, गुड्स को भी रिटर्न कर दिया, गुड्स को ही रिटर्न कर दिया, उससे भी डेटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई वैसा इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसको लिख देंगे सारा, और तब हम लोग को क्या आ जाएगा, क्लोजिंग डेटा, कितना बचा हुआ डेटर है, ये सब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा, क्लोजिंग डेटर बचेगा। 25,200 में माइनस कर दिए इतना कितना बचेगा, 5,400। ये क्लोजिंग डेटर हो गया 5,400। कितना आएगा जोड़ दीजिए, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14। अब देखिए क्या इतना से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नहीं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया गया था कि कॉस्ट प्लस, सही था ना, कॉस्ट प्लस 25% पर प्रॉफिट पर हेड ऑफिस की तरफ से गुड्स सेंड किया जा रहा है। ठीक है, हेड ऑफिस की तरफ से गुड्स सेंड 25% प्रॉफिट के साथ में ऐड करके भेज रहा है। तो समझिए क्या प्रॉफिट इसे निकल के आएगा, क्या इससे प्रॉफिट निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। क्यों, समझिए, मान के चलिए यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या बता रहे हैं कि देखिए मान के चलिए कॉस्ट कितना था, 10 रुपया होगा, मान के लेते हैं एग्जांपल ले लिए, कॉस्ट कितना होगा 10 रुपया और 5 रुपया प्रॉफिट करके हेड ऑफिस भेज रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन गया 15 रुपया। ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, ये 15 रुपया सेलिंग प्राइस पर ही तो गुड्स को भेजा गया है ना हेड ऑफिस की तरफ से। बात को समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, 15 रुपए में हेड ऑफिस की तरफ से भेजा गया है ना, हेड ऑफिस की तरफ से 15 रुपए में गुड्स को भेजा गया है। अब हम बेचेंगे कितना में, 15 रुपए में ही बेचना है हमको, क्योंकि हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम जैसा हम आपको भेज रहे हैं गुड्स, आपको उसी के अकॉर्डिंग में क्या करना है, गुड्स को बेचनी है। पहले क्या रहता था कि पहले वाला कैश में क्या था कि हेड ऑफिस की तरफ से कॉस्ट प्राइस में दिया जाता था और हम अपने अकॉर्डिंग, यानी ब्रांच अपने अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉफिट ऐड करके गुड्स है बेचा करती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट में रहता था, यानी जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला ये 10 रुपए पहले कॉस्ट था और हम अगर मान के चलो 12 रुपए में बेचे, हम कितना में बेचे 12 रुपए बेचे, तो 2 रुपए इधर से क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, 2 रुपए प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब जो है, अब है हेड ऑफिस जो है कह रहा है कि भैया आप जो है कोई प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, हम जो प्राइस में भेज रहे हैं वही प्राइस में आपको बेचनी है। मतलब हेड ऑफिस ये चाहता है ब्रांच से कि तुम हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आपको ये पता जानकारी ना चले, हम जो प्राइस में दे रहे हैं हम अपना कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं सिर्फ हमको पता होगा, जो हम सेलिंग प्राइस में दे रहे हैं वही सेलिंग प्राइस में तुम भेजो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, देखो इससे क्या इस तरह में प्रॉफिट आ जाएगा, तो नहीं आएगा। पहले लोग इस तरह क्वेश्चन बनाते थे, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सो समझिए कि 10 रुपए मान के चलिए अपना हेड ऑफिस कॉस्ट रखा होगा, 5 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दे तो कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। अब ये ब्रांच भी 15 रुपए नहीं बेचेगा, ब्रांच कितना में बेचेगा, 15 रुपए, क्योंकि भेजा गया सेलिंग प्राइस में, यही सेलिंग प्राइस पर 15 रुपए बेचेगी हेड ऑफिस सॉरी ब्रांच, तो क्या ये प्रॉफिट आएगा, 15-15 दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया, प्रॉफिट निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। तो कैसे प्रॉफिट निकलेगा, इसका दो तरीका है,
इसका दो तरीका है एडजस्टमेंट करना होगा। पहला तरीका है कि 15 रुपए में अगर जान गई प्रॉफिट कितना परसेंट है तो इसको 5 रुपए माइनस कर दो, इसको बना दो 10 रुपया, यानी जो गुड्स भेजा उसमें क्या करो, जितना प्रॉफिट एड करके हेड ऑफिस ने भेजा है उसको क्या करिए आप माइनस कर दीजिए, क्या करिए माइनस कर दीजिए, क्या बन गया कॉस्ट बन गया। तब 15 रुपया में इधर से 15 रुपए यहाँ पे लिखेंगे और 5 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या होगा कि 15 रुपया है ना, ये 15 रुपया है, इसको क्या बना दीजिए 5 रुपए ऐड कर दीजिए, कितना बन गया ये 20 रुपए बन गया। आप जान गए कि कितना परसेंट प्रॉफिट इसमें, ठीक है, यदि आप जान गए तो इसको 15 रुपए में 5 रुपए ऐड कर दीजिए कितना बन गया 20 रुपए बन गया। 20 रुपए में इधर 15 रुपया को माइनस कर दीजिएगा तो कितना निकल के आएगा 5 रुपए, ऐसे भी प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका दो तरीका बताए कि जो गुड सेंड किया गया हेड ऑफिस की तरफ से उसी में प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, या फिर उसका जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट अपोजिट साइड में क्या करें, जितना प्रॉफिट एड करके भेजा है ना उतना से प्लस कर दीजिए, उतना से जब प्लस कर दीजिए तो इधर ज्यादा बढ़ जाएगा उतना से, फिर इधर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन वाला सीखेंगे, कॉस्ट प्राइस वाला नहीं सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे एडजस्टमेंट करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए अगर ब्रांच नहीं सॉरी हेड ऑफिस ने 15 रुपए में भेजा और 15 रुपए नहीं भेजते हुए प्रॉफिट आएगा, इतना करने पर नहीं आएगा। पहले वाला क्वेश्चन था ऐसा, पहले वाला इतना करते थे आंसर आ गया, लेकिन आप क्वेश्चन में आएगा नहीं आएगा क्योंकि आपको जो हेड ऑफिस भेजा है, देखिए आपको क्या लिखा है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट एड करके भेजा, तो जितना में भेजा है उतना ही तो आप बेचेंगे तो कैसे प्रॉफिट आएगा, आपको क्या करनी होगी एडजस्टमेंट करनी होगा। दो तरीका मैंने बताया कि पहला इनपुट सेंड जो किया गया इसमें 25% प्रॉफिट एड है या नहीं है, है ना, और जो बेचे होंगे उतना ही बेचे होंगे, अलग से तो रेट नहीं लगा सकते हैं। तो दो तरीका बताएं कि यही कॉस्ट में ही क्या करो, इनपुट सेंड में क्या करो 25% घटा दो प्रॉफिट को, या फिर इस जो बेचे हैं उसमें 25% क्या कर दो, इधर उतना अमाउंट लिख दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं, देखो इसको हटाते हैं। चलिए कैसे एडजस्टमेंट करनी सो देखिए, गुड्स कहां कहां पे है सो देखिए, गुड्स यहां पे है, इसमें 25% प्रॉफिट एड होगा, ये गुड्स है इसमें प्रॉफिट एड होगा, तो इसको एडजस्टमेंट करिए। डेबिट वाला को क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट करनी है और क्रेडिट वाला को डेबिट साइड में एडजस्टमेंट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर देना है खाली एडजस्टमेंट। तो पहला ये स्टॉक है ना, इसको आप लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक से भी नाम लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए स्टॉक रिजर्व के भी नाम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, एक तरह से एडजस्टमेंट है, क्या है ये एडजस्टमेंट है। देखिए कितना है 4200 है, सॉरी कितना है 7500 है, और क्या हो जाएगा 25/125 होगा, ये 7500 कितना है 125% है, कितना है 125% है, 100% कॉस्ट था और कंपनी ने 25% प्रॉफिट एड करके भेजा है ना, ये कितना है 7500, उसको लगाओ हवा चल रहा है, कितना हो जाएगा 25 बचे हैं 125, 5 × 5 और 5×5 = 25, यानी कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कौन हो जाएगा, ये वाला देखिए यहाँ पे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए एडजस्टमेंट करेंगे कितना आएगा, 54 निकालो यहाँ पे 54600 का 25/125 कितना आएगा, 25 बचे हैं 125 और कितना आएगा काटेंगे तो 5 × 5 = 0, 5 × 9 = 45 होगा, 5 × 9 = 45 और 1 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कितना 10920 रुपया, 10920 रुपया हो गया। और देखिए इधर कहाँ कहाँ पे स्टॉक था, यहाँ पे अरे यहाँ पे, ठीक है डेटा दिशा में नहीं बनेगा। ठीक है, अब है इधर देखिए स्टॉक कहाँ पे है,
देखिए क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, यहाँ खाली सिर्फ इसको एडजस्टमेंट कर दिए तो ये इधर आ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट्स, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एडजस्टमेंट, ठीक है। कितना है 9025/100 और 5×5 और 5×40 1800 हो गया। चलिए अब इसको ऐड करिए आराम से और माइनस करिए, आंसर आ जाएगा 32,020 टोटल ऐड करने पर। वाह यहाँ पे 52,000 है तो 32,000 कहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, 4 और 2 6 4 और 2 6 6 5 11 11 और 9 कितना हो जाएगा 11 9 20 हो जाएगा ना, तो 0 और 2 और 2 4 4 8 हो गया, 8 और 1 9 आकर देखो 5 और 1 6 6 और 1 7 हो गया 79,020 रुपीस। अब इसको माइनस करिए 79,020 रुपीस। तो जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये प्रॉफिट दिख रहा है, देखो तो ये 79,020 रुपीस ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कितना आ रहा है देखो टोटल यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक 79,020 रुपीस यहाँ तक दिखा ना। चलिए अब माइनस करके बताइए कितना आएगा, माइनस करिए देखो यहाँ से 0 8 8 4 12 12 यानी 2 यहाँ माइनस हो जाएगा कितना बचा 1 7 और 1 8 8 और 6 कितना बचा 6,000 लो अभी गलती बताएगी ना तो समझना सही है, कितना होगा 6,000 ठीक है। कितना नंबर था, चलो अच्छा ठीक है चलो पास कर गए, कितना नंबर था क्वेश्चन नंबर 7 ना, चलो अब बनाओ।